रामपुर गांव में विमलेश रहती है। विमलेश का पति धीरज शहर में काम करता है। विमलेश की 13 साल की एक सौतेली बेटी शिवानी भी है, जो विमलेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन सुबह सुबह शिवानी बैठकर अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही है, तभी बाहर से चिल्लाते हुए विमलेश आती है। ओहो दादी जी, यहाँ बैठी हो और नाखून रचा रही हो, कुछ और काम नहीं है क्योंकि बाप ने नौकर जो लगाए हुए हैं। माँ वो मुझे आज अपने दोस्त के पास जाना था, मैं तो बस इसीलिए लगा रही थी। हाँ हाँ, क्योंकि दोस्त की तो आज सगाई होने वाली है ना, जो वहाँ जाने के लिए सारा काम छोड़कर पहले श्रृंगार हो रहा है। माँ मुझे अभी स्कूल नहीं जाना है। बड़ी आई महारानी, बिना कुछ काम किए स्कूल जाने वाली, चुपचाप पहले आज का काम खत्म कर उसके बाद कुछ करना। माँ वो मैं कुछ नहीं कर, और चुपचाप जाकर काम कर, तब जाकर कुछ सोचना। शिवानी चुपचाप जाकर काम में लग जाती है और उसका स्कूल जाना कैंसिल हो जाता है। अगले दिन विमलेश को शहर जाना होता है, तो वो अपनी नई साड़ी निकालती है और तैयार होने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी नेल पेंट नहीं मिल रही है। ये देखकर विमलेश लाल पीली हो जाती है। शिवानी, ओ शिवानी, कहाँ है तू? अभी यहाँ पर आ। शिवानी दौड़ते हुए आती है। हाँ माँ, क्या हुआ बताओ। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो और चुपचाप बताओ मेरी नेल पेंट कहाँ रखी है। माँ मैंने नेल पेंट नहीं ली है। देखो शिवानी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि जितना कोरोना में मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है, उतनी ही तुमको नेल पेंट की जरूरत है। तो चुपचाप सच सच बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे अभी बताती हूँ। विमलेश शिवानी को बहुत पीटती है। शिवानी रोते रोते बेहोश हो जाती है। शिवानी सुबह स्कूल के लिए रास्ते में जा रही है, तभी वो देखती है कि सामने से उसका पिता धीरज आ रहा है। ये देखकर शिवानी की आंखों में चमक आ जाती है। शिवानी दौड़कर धीरज के गले से लिपट जाती है। पापा आप आ गए, मेरे प्यारे पापा। हाँ बेटा, मेरा बहुत मन कर रहा था तुम दोनों से मिलने का, इसलिए आज सुबह ही चला आया। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी पापा। आज तुम स्कूल मत जाओ, घर चलते हैं, खूब खेलेंगे। पापा आप मेरे लिए क्या लाए हैं? मैं जानता हूँ तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी प्यारी चीज लाया हूँ। वाह पापा, मैं बहुत खुश हूँ। पापा मुझे भी आपके साथ शहर जाना है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को लेने ही आया हूँ। माँ भी हमारे साथ जाएंगी क्या? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? नहीं सब ठीक है। दोनों बात करते हुए घर वापस पहुँच जाते हैं। लेकिन पता चलता है कि विमलेश कहीं गई है। जब तक माँ वापस आए आप मुझे मेरा गिफ्ट दे दीजिए ना। ठीक है बेटा। धीरज अपना बैग खोलता है, उसमें से एक सुंदर सी नेल पेंट निकाल कर शिवानी को दे देता है, जो गोल्डन कलर की है। मजे आ गए, मजे आ गए। पापा आप मेरी पसंद की नेल पेंट लाए हो, इससे तो मेरे नाखून सोने जैसे चमकने लगेंगे। मैं जानता था कि ये कलर तुमको बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यही लेकर आया हूँ। हाँ पापा मैं अभी लगाती हूँ। शिवानी मैं गांव में अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, आने में लेट हो जाऊंगा। ठीक है पापा। धीरज अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। शिवानी शाम को नेल पेंट लगाती है।
शिवानी नेल पेंट लगाकर खुशी से नाच रही है और विमलेश शाम को घर वापस आती है। वो ये देखकर आँख बबूला हो जाती है। शिवानी, तुम यहाँ अब तक नाच रही हो? माँ, ये देखो, गोल्डन कलर की प्यारी सी नेल पेंट। इससे मेरे नाखून बिल्कुल सोने के हो गए हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू घर का काम छोड़कर यहाँ नाच गाना कर रही है? आज मैं तेरे ये नाखून नहीं छोड़ूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। माँ, सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो, मैं भी सारा काम कर देती हूँ। आज मैं ये तेरा हमेशा के लिए खेल ही खत्म कर देती हूँ। विमलेश गुस्से से कमरे में जाती है और वहाँ से एक लोहे की चिमटी ले आती है। विमलेश उस चिमटी से शिवानी के सारे नाखून उखाड़ देती है। इसमें शिवानी को बहुत दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है। माँ, ये नेल पेंट मेरे लिए पापा लेकर आए थे। पापा? मतलब धीरज आ चुके हैं? हाँ, पापा गांव में घूमने गए हैं। शिवानी रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और रोते रोते सो जाती है। आज शिवानी सोकर नहीं उठी है। विमलेश ये देखकर परेशान हो जाती है और शिवानी को उसके कमरे में जगाने जाती है। ओहो, महारानी जी अभी तक सोई हैं। शायद कल की मार भूल गई हैं या बाप का लाल सर चढ़ रहा है। शिवानी अपने नाखून दिखाती है, लेकिन ये क्या, नाखून देखकर तो विमलेश के भी होश उड़ गए, क्योंकि शिवानी के नाखून सोने के बन चुके हैं। हे भगवान, ये कैसे हुआ? आवाज सुनकर धीरज भी आ जाता है। अरे भाई, क्या हुआ है, हमें भी बताओ। देखो ना, शिवानी के नाखून कितने बड़े और सोने के हो गए हैं। अरे वाह, हमारी बेटी तो महारानी हो गई है। अरे हाँ, तुम लोगों को बताना भूल गया था, मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। अब मैं तुम दोनों को भी शहर लेने आया हूँ, अब हम तीनों आराम से रहेंगे। ये सुनकर सभी खुश होते हैं और धीरज शिवानी और विमलेश को अपने साथ ले जाता है। शिवानी अब महारानी बनकर रहती है और सारा दिन नाखूनों से प्यार करती है। प्रीति अपने घर में अपनी माँ, पापा और दादी के साथ रहती थी। प्रीति के पापा और दादी को हमेशा एक बेटे की इच्छा थी, पर प्रीति का कोई भाई नहीं हो पाया। देखो तो जरा कैसे मुंह चला रही है। ए रमेश, जरा समझा अपनी बेटी को, मुंह तोड़ दूंगी इसका मैं। प्रीति, अभी दादी को सॉरी बोलो। जी पापा, मैं सॉरी बोल दूंगी, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस बोला कि अभी बिजली नहीं है, गीजर बाद में ऑन करती हूँ। बहाने बनाना बंद करो और अभी सॉरी बोलो। सॉरी दादी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्रीति अपनी दादी और पापा के प्यार को तरस गई थी। वो दोनों जो कहते ये चुपचाप मान लेती और उनके खिलाफ कभी नहीं जाती, इस आस में कि शायद उसे थोड़ा प्यार मिल जाए। बेटी, तूने आज अपनी कॉलेज के एग्जाम के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, एग्जाम का डर नहीं है क्या तुझे? माँ, पढ़ना तो था मुझे, पर दादी ने वो अपने कपड़े धोने के लिए दे दिए, और आपको तो पता है मैं उनको मना नहीं कर पाती। फिर पापा और दादी के पैर दबाने थे तो उसी में पूरा दिन बीत गया। बेटी, कब तक उन दोनों के प्यार के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहोगी? उस माँ बेटे को खुश करना नामुमकिन है। मैं तो इस जंजाल से नहीं निकल सकती, पर तुझे जल्द से जल्द शादी करके किसी खुशहाल परिवार में भेज दूंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बलिदान देके अगर दादी और पापा को खुश कर पाई तो मुझे वो मंजूर है। प्रीति अक्सर अपनी मनपसंद चीजें दादी और पापा के सामने नहीं करती थी। उसे गाना, नाचना और सजना सवरना बहुत पसंद था, पर उसके दादी और पापा को नहीं, तो वो हमेशा ये सब चुपके से करती थी। पर एक दिन एक कंगन वाला गांव से गुजर रहा था। कंगन ले लो,
झुमके ले लो, सुंदर सुंदर बिंदी ले लो। प्रीति इधर आ, खबरदार उस कंगन वाले के पास गई, टांगे तोड़ दूंगी, यहाँ आके मेरे पैर दबा, चल। जी जी दादी जी। प्रीति वैसे तो दादी के पैर दबा रही थी, पर उसका पूरा ध्यान कंगन वाले के ऊपर था। प्रीति की माँ ने ये देख लिया और अपनी बेटी के लिए चुपचाप दो जोड़े कंगन ले आई। प्रीति जरा किचन में आना, कुछ काम है। जी माँ। आई दादी, दो मिनट में मैं माँ की मदद करके आती हूँ। मेरी बच्ची, मुझे पता था तुझे कंगन खरीदने हैं। माँ अब कितनी अच्छी है, वाह कितने सुंदर कंगन है, मैं अभी इन्हें पहन के देखती हूँ। प्रीति कंगन पहन के बहुत खुश हो जाती है, वो कंगन की खनखन पे झूमने लगती है, लेकिन तभी उसकी दादी वहाँ आ जाती है। प्रीति बोला था ना तुझे कंगन नहीं पहनना है, तेरी इस माँ ने तुझे बिगाड़ रखा है। दादी वो अभी बस थोड़ी देर के लिए पहने हैं, आप गुस्सा मत कीजिए इतना, प्लीज दादी मैं अभी निकाल देती हूँ। दादी गुस्से में प्रीति के हाथ से कंगन निकालने की कोशिश करती है, उन्होंने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा और कुछ कंगन प्रीति के हाथ में ही टूट गए, उसके कलाई और हाथ में कंगन के शीशे चुभ रहे थे और वो दर्द से चिल्लाने लगी। दादी प्लीज छोड़ दो, मैं निकाल लूँगी, मैं करती हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। सब तेरी गलती है, ना तो तू कंगन पहनती ना ये सब होता, गधी कहेगी। निकाल ये सारे कंगन और यहाँ सफाई कर देना। दादी किचन से बाहर चली जाती है। प्रीति दर्द के मारे रो रही है, प्रीति की माँ उसके पास आके उससे प्यार से सारे कांच के टुकड़े निकाल देती है और उसके हाथों में मलहम लगा के। दूसरी सुबह होते ही दादी प्रीति को काम पे लगवाने आ जाती है। ये कैसे मुमकिन है, तेरे हाथ तो सोने के बन गए हैं। दादी चिल्लाते हुए रमेश और प्रीति की माँ को बुलाती है। अरे चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया रमेश, अरे ओ रमेश इधर आ जल्दी, बहू तुम दोनों भी आओ। दोनों पति पत्नी भाग के दादी के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी के हाथ सोने के बन गए हैं। अरे ये तो सोना है, असली सोना, बेटी ये तो चमत्कार कर दिया तुमने। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैं बस सुबह उठ के दादी की मदद के लिए अपनी पट्टी खोल रही थी और मेरे हाथ सोने के बने हुए थे। देखो ये पट्टी भी सोने की बन गई है। बेटी जरा मेरे इस चश्मे को हाथों पे रख के तो देख। प्रीति अपनी दादी के चश्मे को हथेलियों के बीच रखती है और वो सोने का चश्मा बन जाता है। हे ईश्वर आपका लाख लाख शुक्र है, हमारी प्यारी सी बच्ची को आपने कितना अच्छा वरदान दिया है। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मेरी आँखों का तारा। प्रीति को अचानक अपने पापा और दादी से प्यार की बौछार मिल रही थी। बेटी इस चम्मच को सोने का बना दे। मेरी प्यारी बच्ची इस गुलदस्ते को सोने का बना दे। धीरे धीरे प्रीति घर की राजकुमारी बन गई थी, उसकी माँ तो उसे प्यार करती ही थी, अब दादी और पापा भी प्यार देने लगे थे। उनके घर की हालत काफी सुधर गई, उन्होंने सोना बेच के बड़ा बंगला बना लिया, नौकर चाकर की लाइन लग गई और पूरा परिवार अब राजा महाराजाओं की तरह जीने लगा था। प्रीति के हाथों को सोने का बना हुआ ठीक एक साल हो गया था। वो सुबह उठी और घबरा के रोने लग गई। माँ माँ जल्दी आओ यहाँ। क्या हुआ प्रीति, सुबह सुबह क्यों रो रही हो? प्रीति अपने हाथ आगे करके अपनी माँ को दिखाती है, उसके सोने के हाथ अब सोने के नहीं रहे थे।
माँ अब मैं क्या करूँगी माँ, दादी और पापा हमें घर से निकाल देंगे, वो मुझे कभी प्यार नहीं करेंगे। प्रीति को रोते सुन थोड़ी देर में दादी और उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? क्या हो गया मेरी प्यारी बच्ची? दादी और पिता दोनों बोलते हुए रुक जाते हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने कलमू ही, बस यही होना बाकी था। प्रीति, तुम्हें हमारे खुशियों से कोई प्रॉब्लम है क्या जो अपने हाथ खराब कर लिए? जी ऐसे मत कहिए आप लोग, उसको भी कितना बुरा लग रहा है, उसने ही जानबूझ के तो नहीं किया है ना। प्रीति डर के मारे बस रोए जा रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी। चुप, तुम बिल्कुल चुप रहो मीना, तुम माँ बेटी का क्या करूँ मैं? निकाल दे इन दोनों को, अभी घर से निकाल दे, जितना सोना हमें चाहिए था उतना मिल गया है, अब इन दोनों माँ बेटी की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ दोनों अभी के अभी, मेरे घर में एक मिनट भी और रही तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। प्रीति और उसकी माँ रोते हुए घर से निकल जाते हैं, ना उनको कोई पैसे दिए गए ना थोड़ा सा भी सोना, बस दो जोड़ी कपड़ों के साथ माँ बेटी सड़कों पे भटक रहे थे। एक पुराने से खंडहर में रात बिताई और सुबह उठते ही दोनों की किस्मत तुरंत बदल गई। माँ उठो ये देखो। हाँ ये तेरे हाथ, क्या ये? प्रीति और उसकी माँ की आँखों में खुशी के आंसू थे। प्रीति के हाथ जो एक दिन के लिए बदल गए थे, वही हाथ अब हीरे के बन गए थे। प्रीति और उसकी माँ अपने लालची पिता और दादी से बहुत दूर जाके एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। उनकी जिंदगी में बेशुमार पैसा और प्यार भर जाता है और उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होती।